Hello friends, this is Abhijit and I welcome you all to my channel Learn Stock Charts to Earn. दोस्तों जैसे कि हमने अब तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो बनाए हैं तो मैंने सोचा कि और एक डिफरेंट तरह की प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसमें हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में देख सकेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम देखी है कि वो दूसरे लोगों ने डिज़ाइन किए हुए ड्रॉ किए हुए स्टडी ऐड करने के बाद जो स्टॉक के चार्ट ड्रॉ होते हैं वो करने के बाद जो दूसरे लोग रहते हैं उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो स्टडी समझ में नहीं आती क्योंकि कभी कभी उसमें बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे क्यों यूज़ किए हैं। तो उसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये प्लेलिस्ट ऐड की है। इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टाइप्स जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेंगे हम, उसके साथ उसकी थ्योरी क्या रहती है, वो वर्क कैसे करता है वो देखेंगे और एक लाइव चार्ट लेकर उसे हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यह हमारी पहली वीडियो में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में देखेंगे। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे एक बेल आइकॉन आएगा उसको क्लिक कीजिए तो मेरे जो भी नए वीडियो मैं बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है। तो जनरली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो मैक्सिमम जो टेक्निकल एनालिस्ट रहते हैं वो अपने चार्ट पे यूज़ करते हैं। अगर आप कौन से भी चार्ट ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे चार्ट पे तो स्टडी रहती है, मूविंग एवरेजेस वगैरह डाल लिया होता है, पैटर्न्स क्रिएट किए होते हैं और नीचे अगर प्राइस चार्ट जो रहता है अगर उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको RSI इंडिकेटर मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे लोग RSI इंडिकेटर का यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उसका यूज़ एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि RSI का यूज़ इतना ही होता है कि वो कौन सा स्टॉक उसकी ओवरबॉट रीजन में है और कौन सा स्टॉक उसकी ओवरसोल्ड रीजन में है ये बता देता है। जनरली RSI की वैल्यू 0 to 100 के बीच में ट्रेड करती रहती है। अगर RSI उसके 70 के आसपास रहेगा या 70 के ऊपर रहेगा तो जनरली वो स्टॉक ओवरबॉट है ये समझ लिया जाता है। ओवरबॉट यानी उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए उससे भी वो बहुत महंगा है। तो अगर कोई स्टॉक महंगा बिक रहा होगा तो थोड़े ड्यूरेशन के बाद उसकी स्टॉक प्राइस गिरने वाली है उसे एवरेज आउट करने के लिए। वैसे ही अगर कोई स्टॉक उसके RSI की वैल्यू जो है वो अगर 30 के बिलो होगी तो उसका मीनिंग रहता है वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में काम कर रहा है। अगर कोई स्टॉक ओवरसोल्ड रीजन में काम करता है तो उसका मतलब ये रहता है कि वो स्टॉक हमें बहुत सस्ता मिल रहा है। तो अगर कोई स्टॉक हमें सस्ता मिलता है तो आगे जाकर उसकी प्राइस बढ़ने ही वाली है। तो बस थ्योरी इतनी है दोस्तों। RSI को दो तरह से यूज़ किया जाता है, एक तो उसके ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन देखकर और उसका क्रॉसओवर भी कभी कभी देख लिया जाता है RSI देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट को देख कर समझने की कोशिश करते हैं कि RSI किस तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक यहाँ पे ग्रीन लाइन है और यहाँ पे एक रेड लाइन है। कोई कोई जो ट्रेडर्स रहते हैं वो RSI का ये जो ग्रीन और रेड लाइन का क्रॉसओवर रहता है उसको भी देखकर ट्रेड करते हैं। यानी अगर मान लो कि ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है अपर साइड और इसका जो डिस्टेंस है दोनों में का अगर वो भी ज़्यादा हो तो समझ लिया जाता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है और वहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला था, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ऊपर आप प्राइस चार्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं वही पोजिशन पे। तो मैं यहाँ पे माउस क्लिक करता हूँ, आप ऊपर वाला प्राइस चार्ट देखिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा एंगल मिल गया हमें और RSI की ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। तो हम देख सकते हैं जैसे क्रॉस हुआ वहाँ से स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो चार्ट लिया है वो निफ्टी का है, ये वीकली चार्ट है और एक कैंडल जो है वो वीकली के है। यहाँ पे हमने कैंडलस्टिक चार्ट लिया है तो हम निफ्टी पे ये RSI अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमें क्रॉस ओवर मिला उसके बाद जैसे ही RSI बढ़ने लगा वैसे इसकी भी प्राइसेस बढ़ने लगे, राइट। तो इस तरह का एक यूज होता है RSI का, क्रॉसओवर का भी इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। और दूसरा जो यूज है, अभी हमने जैसे बोला कि अगर RSI 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी हमारी जो ग्रीन लाइन है अगर 70 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो हम कहेंगे कि वो स्टॉक उसके ओवरबॉट रीजन में है यानी महंगा बिक रहा है, तो बाद में इसमें करेक्शन आएगा और वो सस्ता हो जाएगा। और सिमिलरली अगर कोई स्टॉक उसके जो 30 की जो वैल्यू है उसके नीचे या उसके लगभग आसपास काम कर रहा हो तो हम कहेंगे वो स्टॉक ओवरसोल्ड रीजन में काम कर रहा है। और अगर कोई स्टॉक ओवरसोल्ड रीजन में काम करता है तो उसके बाद उसमें प्राइस की मूवमेंट आ जाती है और स्टॉक फिर बढ़ने लगता है।
तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब वो ओवरसोल्ड रीजन में रहता है तो उसे बाय करते हैं, और जब तक वो ओवरबॉट नहीं होता तब तक उसे होल्ड करते हैं, और ओवरबॉट होने के बाद फिर से उसे सेल करते हैं। और जब शॉर्ट सेलिंग करनी है इंट्राडे में तो वो ओवर जो बॉट रीजन रहती है वहां पे बाय करते हैं, और उसे ओवरसोल्ड रीजन आने के बाद सेल करते हैं। लेकिन दोस्तों इंट्राडे में मैक्सिमम इसका यूज नहीं किया जाता, कोई ट्रेडर्स यूज भी करते कोई नहीं भी करते, हर एक लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। तो इंट्राडे का हम यहाँ पे नहीं सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वीकली चार्ट लिया है यहाँ पे हम इतना ही करेंगे कि ओवरसोल्ड रहेगा तो हम पोजीशन बनाएंगे, ओवरबॉट होगा तो हम पोजीशन को क्लियर करेंगे, राइट। तो ओवर सोल्ड कब रहेगा, वो 30 के आसपास रहेगा, तो और ओवरबॉट कब हो जाएगा, वो 70 के आसपास जाएगा। तो अभी उसके हमने क्रॉस ओवर के हिसाब से तो देख लिया, यहाँ पे क्रॉस ओवर और उसके प्राइसेस बढ़ने लगे। अब हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन देखते हैं, ओवरसोल्ड रीजन देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो RSI की वैल्यू अराउंड 30, 35, 40 के आसपास थी, तो वो अराउंड और इक्वल टू 30 थी, 30 वैल्यू थी उसकी। तो जब उसकी वैल्यू 30 थी तो वहां से हम देखेंगे कि फिर स्टॉक वहां से ऊपर जाने लगा, यानी वो ओवरसोल्ड रीजन में था, वो ओवरबॉट रीजन की तरफ जाने लगा। तो ऊपर स्टॉक की प्राइसेस भी हम देखते हैं, निफ्टी की प्राइसेस, तो जैसे ही वो ओवरसोल्ड से ओवरबॉट की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है, राइट। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, अभी यहाँ पे उसका रिवर्स हो गया, यहाँ पे निफ्टी जो है ये जो स्टॉक चार्ट है वो पूरी 79-80 के आसपास काम कर रहा था, उसके ओवरबॉट रीजन में था। तो जब वो ओवरबॉट रीजन में चला गया तो उसके दूसरे दिन ही हम देखेंगे कि RSI कितना जोर से यहाँ से स्टॉक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स गिर गया इस वीक में, और उसी तरह से RSI भी गिर गया, और उसने RSI ने रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया, राइट। तो इसी तरह से इसका यूज होता है, यहाँ पे भी एक बार हम देख सकते हैं, यहाँ पे RSI अराउंड 75-80 के आसपास काम कर रहा था, यहाँ पे ओवरबॉट रीजन में था, और वहां से फिर दूसरे ही वीक से निफ्टी स्टॉक में मूवमेंट आ गया, और स्टॉक कंसिस्टेंटली गिरने लगा, इसने क्रॉस ओवर भी किया रेड लाइन को नीचे की तरफ, और कंसिस्टेंटली निफ्टी यहाँ पे ओवर सोल्ड रीजन में आ गया। जब वो ओवर सोल्ड रीजन में आ गया तो नेक्स्ट कैंडल पे हम देख सकते हैं फिर वो ओवरबॉट रीजन की तरफ जाने लगा, RSI ने क्रॉस भी किया इसे ग्रीन लाइन में रेड लाइन को, और फिर से निफ्टी ऊपर बढ़ने लगा। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम RSI का यूज करेंगे तो यही रहता है, कोई लोग उसके क्रॉस ओवर पे ट्रेडिंग करते हैं, और कोई लोग उसकी ओवरबॉट और ओवर सोल्ड की रीजन को भी देखकर ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको RSI के बारे में पता लग गया होगा, तो यहाँ पे मैं इसे रोक देता हूँ और मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये मेरा चैनल है लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न, अगर आपको ऐसे ही वीडियो अगर देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल आइकॉन आएगा उसको क्लिक कीजिए, तो जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। और वैसे दोस्तों बहुत सारी वीडियो मैंने अब तक बनाए हैं, अराउंड 70-75 वीडियोज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज पे मैंने बनाए हुए हैं, इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज, और कुछ निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस है, टेक्निकल एनालिसिस के है, और हमने एक कोर्स चालू किया था बेसिक ऑफ शेयर मार्केट, उसे हमने लर्न टू अर्न नाम दिया था। तो इसमें भी अगर आप बिगिनर लेवल की ऑडियंस है या एक्सपर्ट लेवल की भी होंगे तो आप अगर ये सीरीज देख लेंगे तो एक कोर्स जैसे हम करते हैं स्टॉक मार्केट का, तो उस तरह के वीडियो आपको सिक्वेंशियली मिल जाएंगे। अगर आपको इंट्राडे में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जाकर इंट्राडे के डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई हुए हैं वो भी देख सकते हैं। वैसे एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसे भी आप देख सकते हैं, और भी डिफरेंट शॉर्ट टर्म के स्ट्रेटेजीज रहते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको मेरे अगर वीडियो नहीं मिस करने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।